फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिस क्रिएशन। तो आज के वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा फ्लावर केक का डिजाइन देखने वाले हैं। आप देख सकते हो डिजाइन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, और ये डिजाइन मैंने नूर के 34 नंबर नोजल से बनाया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक को अच्छे से व्हीप क्रीम से कवर करके लिया है। इसके बाद आज मैं यूज करने वाली हूँ स्काई ब्लू शेड, जिसके लिए मैंने जेल कलर यूज किया है। आपने अगर लिक्विड फूड कलर भी यूज किया तो भी चलेगा, आपको सेम ही इफेक्ट मिलेगा। एक ही ड्रॉप मैंने पैलेट नाइफ पे लिया है और अभी साइड से जस्ट मैं टैप करके ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पे अपने केक को लगा के ले रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें पूरे केक को धीरे धीरे करके पूरा व्हीप क्रीम लगा के लेना है। और ये लगाने के बाद मैं जस्ट पैलेट नाइफ यहाँ पे घुमा रही हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे मैंने घुमा के लिया है। और अभी स्क्रेपर से ये जो कलर है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, इसलिए हमें इस टाइप के स्क्रेपर का यूज करना है। मैंने प्लेन स्क्रेपर का ही यहाँ पे यूज किया है। और अभी डिजाइन देने के लिए हम लोग जिगजैग स्क्रेपर यूज करेंगे। आप कोई भी स्क्रेपर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप टेक्सचर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रेपर लिया है, अच्छे से हमें फिनिशिंग करके लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा वाला क्रीम रहेगा उसे रिमूव करके लेना है। आप देख सकते हो कितना शेडेड इफेक्ट हमें मिला है, और एकदम से वो परफेक्टली मिडल वाले पॉइंट पे ही ब्लू कलर आया है। तो आज मैं सेम कलर टॉप पे भी यूज करने वाली हूँ डिजाइन बनाने के लिए, जैसे हम लोग फ्लावर डिजाइन बनाने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पूरा जो अपना केक बोर्ड है उसे अच्छे से क्लीन करके लेने वाले हैं। आप देख सकते हो ऐसे आप टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़े के साथ केक बेस को अच्छे से क्लियर या नीट एंड क्लीन कर सकते हो। तो मैं बोल रही थी आज हम लोग नूर का 34 नंबर नोजल यूज करेंगे। इस नोजल का यूज हम लोग कोई भी बास्केट केक का डिजाइन बनाने के लिए भी कर सकते हैं, या इससे भी बहुत सारी डिजाइन बन जाती है। तो हम लोग बेसिकली आज इसका यूज फ्लावर बनाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मेरे पास नोजल था, उस पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कलर लगा के लिया है, और अभी पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्प्रेड करके ले रही हूँ। अभी हमें अगर टॉप पे अच्छे से प्लेन डिजाइन चाहिए, मतलब अपना टॉप का पार्ट एकदम प्रॉपर प्लेन आना चाहिए, तो ऐसे आप पैलेट नाइफ पे थोड़ा सा पानी लेके भी घुमा सकते हो, या पैलेट नाइफ आपका गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिप करके उसे भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्लेन हमारा डिजाइन आया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन करना। तो यहाँ पे मैंने नूर का 34 नंबर नोजल लिया है, और सेम शेड यूज किया है मैंने, स्काई ब्लू शेड। हमें बाहर से, मतलब केक के आउटलाइन से, केक के बॉर्डर से हमें स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं मेरा हाथ घुमा के ले रही हूँ, ताकि हमें प्रॉपर जो भी फ्लावर्स के पेटल्स है वो हमें मिले। तो इसी तरीके से पहले आउटलाइन ही हमें निकाल के लेनी है, ताकि हमें प्रॉपरली एक शेप मिल जाए, और फिर हम लोग अंदर भी वही सेम डिजाइन रिपीट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें धीरे धीरे करके अच्छे से ये सारे पेटल्स बना के लेने हैं। आप कोई डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज किया तो भी ये जो केक है ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेगा। आज मुझे ये दो शेड्स यूज करने थे, व्हाइट एंड स्काई ब्लू, इसलिए मैंने इनका यूज किया है। इस टाइप का फ्लावर केक डिजाइन और भी कई नोजल से बनता है, उनका भी वीडियो मैं जल्दी ही दिखाऊंगी। आपका अगर व्हीप क्रीम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रहेगा तो ऐसी डिजाइन बनने में बहुत ही ज्यादा ईजी है, और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है। आप देख सकते हो कितने शार्प एजेस आ रहे हमारे पेटल्स को, क्योंकि हमारा व्हीप क्रीम जो है वो परफेक्टली व्हीप हुआ है। इसी टाइप के अगर आपको नए नए वीडियोस देखने हैं या नए नए केक के डिजाइंस देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अलग अलग केक के डिजाइंस या केक की रेसिपीज में लेके आती हूँ चैनल पे। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे करके हम लोग अभी केक का जो मिडल वाला पार्ट है वहां तक आए हैं। यहाँ पे भी हमें अच्छे से कवर करके लेना है। और अभी यहाँ पे आप मिडल वाला जो पार्ट है, जो फ्लावर का अपना मिडल वाला पोर्शन रहता है, वहाँ पे आप व्हीप क्रीम भी यूज कर सकते हो। अगर आपको व्हीप क्रीम नहीं यूज करना है तो आप कोई भी स्प्रिंकल्स का भी यूज कर सकते हो। अभी आज मैं यहाँ पे स्प्रिंकल्स यूज करूंगी, उससे पहले हम लोग सेम नोजल से बॉर्डर भी करके लेने वाले हैं। आप देख सकते हो
मैं किस टाइप से या किस तरह से मेरा हाथ घुमा के ले रही हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर और अच्छी सी केक का डिज़ाइन मिले और केक की बॉर्डर मिले। तो हमारा बॉर्डर यहाँ पे बन के रेडी है और हम लोग अभी मिडल वाला पोर्शन है वहाँ पे स्प्रिंकल्स यूज़ करेंगे, कुछ शुगर बॉल्स यूज़ करेंगे। तो आज मैं वाइट कलर्स के, जो अब हम लोग पर्ल बोलते हैं उन्हें, वो यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे लगा के ले रही हूँ अच्छे से। आप सेम डिज़ाइन वाइट कलर के व्हीपिंग क्रीम से भी कर सकते हो, या अगर आपको कोई और कलर शेड ऐड करनी है, जैसे कि ब्लैक रहेगा, ब्राउन रहेगा, या येलो शेड आपको लेनी है, तो आप वो व्हीप क्रीम से बना के उसका भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं टॉप पे ये सारे जो स्प्रिंकल्स थे वो लगाने के बाद केक के साइड में भी थोड़े से स्प्रिंकल ऐड करूँगी ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दिखेगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा। आप देखोगे धीरे धीरे करके हमें अच्छे से यहाँ पे जो भी हमारे शुगर बॉल्स हैं उन्हें लगा के लेना है ताकि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और केक कुछ स्पेशल थीम टाइप भी दिखेगा हमारा। डिज़ाइन आपका कोई भी हो, कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये दो शेड में भी अपना फ्लावर का डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो भी शुगर बॉल्स थे वो लगाने के बाद हमारा केक यहाँ पे रेडी हो चुका है। ऐसे ही नए नए केक के डिज़ाइंस देखने के लिए, नए नए केक के रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।